और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भानपुरा तहसील के संधारा के मृतक किसान जगदीश पाटीदार की आत्महत्या के मामले से, जहां पर किसान की आत्महत्या के मामले को लेकर पूरा ही पाटीदार समाज सहित सर्व समाज व आसपास के क्षेत्र के लोगों में रोष व्याप्त था। उसी को लेकर धरना प्रदर्शन जो है वो लेदी चौराहा स्थित चौराहे पर किया जा रहा था। उसी को लेकर 4 घंटे के लंबे अंतराल के बाद एसपी और कलेक्टर ने फैसला सुनाया है। उसी के बाद दाह संस्कार हेतु ले जाने की तैयारियां जो है परिवार व समर्थकों द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि प्रशासन ने जो फैसला सुनाया है उसमें परिवार के एक सदस्य को गवर्नमेंट जो 10 लाख नगद व 90 लाख का प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे, जब तक कोर्ट में विचाराधीन है तब तक किसान परिवार खेती कर सकेगा। 6 प्लॉट मृतक किसान परिवार को शासन द्वारा आवंटित किए जाएंगे। वहीं कार्रवाई में दोषी टीआई व पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जगदीश पाटीदार किसान आत्महत्या मामले में प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई की है और धरना जो है अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। दाह संस्कार हेतु ले जाने की तैयारियों में जो है जुट चुके हैं। और इस वक्त की बिग ब्रेकिंग एसके मीडिया पर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की किसान आत्महत्या के मामले को लेकर, जिसमें किसान परिवार द्वारा क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ व पूर्व विधायक व मंत्री रह चुके सुभाष सजोतिया पर भी गंभीर आरोप जो है लगाए थे। राजनीतिक दबाव बनाकर किसान से जमीन मुक्त करवाने को लेकर यह पूरा मामला बताया जा रहा है और अब जो है धरना वो समाप्त हो चुका है। प्राण त्यागने का फैसला किया है तो उस पर आपको हमको समझना पड़ेगा कि उस पर कितनी प्रताड़नाएं दी गई होगी, किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया होगा कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हुआ है। तो ये आत्महत्या नहीं हत्या है, इसके लिए भी हम सबको लड़ना है कि इस प्रकार से आज पाटीदार समाज का नंबर कल हो सकता है किसी राजपूत के घरों का भी, किसी कुमावत के घरों, एक भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहेगा। आने वाले समय में धीरे धीरे इनका अत्याचार और बढ़ता रहेगा। आज भी प्रशासन इसी प्रकार से दबाव बनाता है, तो जब तक जो हमारे समाज जनिया विराजमान है, जो किसान परिवार यहाँ एकत्रित है, जो सब निर्णय लेगा, राजपूत समाज और सर्व समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आखिरी दम तक लड़ेगा, चाहे हमें हमारे खून की एक एक बूंद आपके लिए अर्पित करनी पड़े हम करेंगे, पर यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। जो भी आप सबका निर्णय होगा, जो आपकी सबकी मांगे होगी, वही हमारी मांगे होगी और वही हमारी लड़ाई होगी। आप हम भी पूरे प्रदेश में आह्वान कर चुके हैं कि सारे लोग यहाँ जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे, ताकि हमारे जो भाई के साथ अन्याय हुआ है ये किसी दूसरे भाई के साथ नहीं हो, इनको न्याय मिल सके। तो आपके साथ इस न्याय की लड़ाई में पूरा समाज, पूरा कंडीशन परिवार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेगा और आखिरी दम तक लड़ेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा